हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम 2023 में होने वाले सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशंस के टाइम टेबल के बारे में जानेंगे, यानी कि क्लास 10th और 12th की डेट शीट के बारे में। लेकिन उससे पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे, तो उनमें से हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पिक किया हुआ है। तो पहले मैं उन क्वेश्चंस के रिप्लाई कर दे रहा हूँ, देन आगे डेट शीट के बारे में आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा, ठीक है। और अगर आपके माइंड में किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप हमें कमेंट जरूर करें, मैं बहुत ही जल्दी आप लोग को इसी तरह से सभी स्टूडेंट्स के कमेंट्स को पिक करके आप लोग को रिप्लाई देता रहूंगा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला जो कमेंट है वो किया हुआ यहाँ पे कि सर फॉर्मूला पे एक वीडियो बनाइए। देखो, फॉर्मूला पे वीडियो मैं आप लोग को बना के दूंगा और साथ ही उसका पीडीएफ भी आप लोग को मैं दूंगा। और इसके लिए हमने स्टूडेंट्स के डिमांड को देखते हुए एक नई टेलीग्राम चैनल भी बना ली है, ठीक है, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। आप उस पर क्लिक करके सिंपली हमारे चैनल पे ज्वाइन हो सकते हो और वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें आप लोग को सभी टाइप के नोट्स और बहुत सारी एग्जामिनेशन से रिलेटेड मटेरियल्स आप लोग को मिलती रहेंगी, ठीक है। तो आप लोग के लिए बहुत ही काम आएंगी और वो ये जो हमने टेलीग्राम चैनल बनाई हुई है, तो मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स वो उसमें ज्वाइन करें, क्योंकि वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका मैं आप लोग से कोई भी पैसा ले नहीं रहा हूं और आप लोग को सारे कॉन्टेंट जो है वो फ्री मिलेंगे, ओके। तो ये पहला क्वेश्चन जो था कि सर फॉर्मूला पे एक वीडियो बनाइए, तो फॉर्मूला की वीडियो तो भी बना ही दूंगा, 10th और 12th दोनों की। हमारे मैथमेटिक्स के जितने भी चैप्टर्स है सभी चैप्टर्स को मिला के मैं एक ही वीडियो में और एक ही पीडीएफ में सभी चैप्टर्स के फॉर्मूला को दे दूंगा और उसकी वीडियो पीडीएफ दोनों मिल जाएंगी, ठीक है। 12th का भी बिल्कुल इसी तरह से आप लोग को दे दूंगा, ओके। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया है कि सर प्राइवेट कैंडिडेट के बच्चे अपना एडमिट कार्ड कैसे निकालेंगे, इस पर वीडियो बना दो। अब देखो, जो एडमिट कार्ड है वो फिलहाल अभी तो नहीं निकलेगी, वो एग्जामिनेशन के 10 दिन पहले आप लोग को दी जाती है, ठीक है। तो जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं तो उनको तो अपने स्कूल में ही मिल जाएंगी या फिर वे सीबीएसई के वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह से जो प्राइवेट कैंडिडेट्स वाले भी स्टूडेंट्स हैं वो एग्जामिनेशन के पहले 10-15 दिन पहले, देखो स्कूलों में 10 दिन पहले मिलती है या फिर एक सप्ताह पहले मिलता है, लेकिन जो प्राइवेट कैंडिडेट्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एडमिट कार्ड जो है 15-20 दिन या फिर 25 दिन पहले ही निकाल दी जाती है। तो जब भी ऐसी इंफॉर्मेशन आ जाएंगी, जब भी ऐसी न्यूज आ जाएंगे कि सीबीएसई ने प्राइवेट कैंडिडेट वालों के लिए एडमिट कार्ड सीबीएसई की वेबसाइट में डाल दी है, तो मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। उस समय आपको मैं स्टेप वाइज सारी प्रोसेस बता दूंगा कि किस तरह से आप लोग को एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है। चलो, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि सर बेसिक मैथ लेकर डिप्लोमा कर सकते हैं क्या? तो मेरा जवाब है यस। क्यों? क्योंकि डिप्लोमा जब आप कर रहे होते हैं तो उसमें ये नहीं देखा जाता है कि आपका 10th का है या फिर 12th का है। अगर आपने 10th पास की हुई है तो आप डिप्लोमा कर सकते हो, उसमें बेसिक स्टैंडर्ड का कोई भी लफड़ा नहीं है, ठीक है। बेसिक स्टैंडर्ड में प्रॉब्लम बस इतना ही सा है कि अगर आप बेसिक लेते हो तो आप 11th में मैथमेटिक्स नहीं ले सकते हो, ठीक है, सिर्फ मैथमेटिक्स नहीं ले सकते। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप डिप्लोमा नहीं कर सकते या फिर साइंस लेके नहीं पढ़ सकते, ठीक है। मैथमेटिक्स आपको नहीं मिलेगा, आप साइंस लेके पढ़ सकते हो, मैथमेटिक्स की जगह पे बायोलॉजी लेके पढ़ सकते हो, यानी कि पीसीबी, ठीक है। हालांकि हमने पहले भी इसके बारे में एक वीडियो में आप लोगों को बताया हुआ है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है अभिषेक झा की तरफ से कि सर प्लीज सॉल्व केस बेस्ड क्वेश्चंस फ्रॉम एजुकार्ट बुक। बिल्कुल, एजुकार्ट बुक ही नहीं है, जितने भी पब्लिकेशंस की बुक निकलती हैं और जो भी इंपॉर्टेंट केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं, मैं सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस एग्जामिनेशन से पहले करवा देता हूं, ठीक है। इधर मैं 3-4 सालों से यूट्यूब में हूं, हर साल मैं सभी जो भी हमारी पब्लिशर्स निकलती हैं सभी पब्लिशर्स की केस बेस्ड क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस करवा देता हूं। देखो, मैं यूट्यूब में 4 साल से हूं, ठीक है, लेकिन केस बेस्ड जो क्वेश्चन है वो 2020 से पूछा जा रहा है, तो 2020 से ही मैं बहुत सारे क्वेश्चंस की ऑलरेडी प्रैक्टिस करवा चुका हूं, ठीक है। तो अगर आप लोग को देखना होगा, समझना होगा कि कैसे हम केस बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, कैसे बनाते हैं, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। और अगर आप लोग को चाहिए कि नहीं एजुकार्ट की बुक की प्रैक्टिस करवाइए या फिर ओसवाल के बुक की प्रैक्टिस करवाइए, तो उन बुक्स की प्रैक्टिस भी मैं आप लोग को, जो भी उसमें केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस भी मैं धीरे धीरे सभी बुक्स की और सभी प्रोड्यूसर्स की करवाऊंगा, तो बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है। चलो, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सर क्या हमारे बोर्ड में क्लियरली ब्लूप्रिंट्स के अनुसार
पर ही पेपर रहेगा। देखो इसके बारे में हमने पहले के वीडियोस में 4-5 वीडियोस हमने ऑलरेडी बना रखी है, तो मैं इसके बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा और एक ही चीज बोलूंगा कि बिल्कुल ब्लू प्रिंट से हमें तैयारी करनी ही चाहिए। ठीक है, पहली चीज तो मैं ये कहूंगा ब्लू प्रिंट से तैयारी हमें करनी ही चाहिए। क्यों? क्योंकि सैंपल पेपर सीबीएसई ने निकाली क्यों है, ठीक है, क्यों निकाली है, ताकि हम ब्लू प्रिंट के अनुसार अपनी तैयारी कर सके। ठीक है, लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि टोटली डिपेंड ब्लू प्रिंट पे मत रहना। ठीक है, आपका पहला प्रायोरिटी रहता है कि आप ब्लू प्रिंट से तैयारी कर लो, आपने कर लिया देन आप लोग को ब्लू प्रिंट के अलावे भी तैयारी करनी है। आप लोगों को सिर्फ ये सोच के एग्जामिनेशन में नहीं जाना है कि ब्लू प्रिंट से आ ही जाएगा। ठीक है, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस की हुई है कि 4 सेट रहता है, हो सकता है किसी एक सेट में आप लोग का ब्लू प्रिंट के अनुसार रहे, हो सकता है चारों ही सेट में ब्लू प्रिंट के अनुसार रहे। तो ये सीबीएसई ने कुछ भी ऐसी बताई नहीं है और ना ऐसा कभी बताती है कि हम चारों सेट में सैंपल पेपर के अनुसार ही देंगे या फिर ब्लू प्रिंट के अनुसार ही देंगे। ब्लू प्रिंट यूनिट वाइज या फिर सेक्शन वाइज जो भी निकाला जाता है तो वो हमारे एग्जामिनेशन में जैसा रहता है बिल्कुल वैसा ही पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन चैप्टर वाइज इधर उधर हो जाता है। ठीक है, लेकिन फिर भी ब्लू प्रिंट से तैयारी हमें जरूर करनी चाहिए, पहला प्रायोरिटी यही है। और तैयारी हो जाने के बाद फिर आप एक्स्ट्रा भी जरूर करना, ठीक है, टोटली डिपेंड मत रहना। ठीक है, बस मैं यही कहूंगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि सर और सभी चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर भी वीडियो बना दीजिए। देखो अभी हाल ही में हमने एक मैथमेटिक्स चैप्टर 1 जो कि हम लोग का है रियल नंबर क्लास 10th की, तो उसका मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना दिया है जिसमें से आपके एग्जामिनेशन में जो भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया हुआ है तो 5 से 6 नंबर आप लोग का पूछा जाएगा नंबर सिस्टम यानी कि रियल नंबर से। ठीक है, तो आप लोगों का गारंटी है कि 6 नंबर जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया है वहीं से आएगा। तो उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दे रहा हूँ, आप जाके जरूर देखना अगर अभी तक आपने नहीं देखा हुआ होगा तो। और इनका जो क्वेश्चन था कि बाकी चैप्टर्स के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाइए, तो बिल्कुल बहुत ही जल्दी हम सभी चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की तैयारी करवाऊंगा आप लोग को और जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सभी चैप्टर्स की भी करवाऊंगा। ठीक है, एक एक करके सभी चैप्टर की वीडियो जाएंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है अस्मिता के तरफ से कि सर ग्रेस मार्किंग क्या होता है, मुझे समझ नहीं आता। ग्रेस मार्किंग का एक सीधा सा अगर हम आंसर बोले तो वो होता है मार्क्स इंक्रीज होना। ठीक है, और मार्क्स इंक्रीज किन किन कंडीशंस पे होते हैं तो इसके बारे में हमने आप लोग को ऑलरेडी बता रखा है कि किस तरह से स्टूडेंट्स के मार्क्स बढ़ते हैं। और 2023 में अगर आपके एग्जामिनेशन है तो आप लोग को बिल्कुल भी नहीं घबराना है, नई मॉडरेशन पॉलिसी निकाली गई है जिसमें स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा ग्रेस मार्किंग मिलेगा। ठीक है, चिंता करने वाली जरूरत नहीं है और फेल होने का बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है कि हम फेल हो जाएंगे। आप लोग फेल नहीं होने वाले हो, कोई स्टूडेंट्स फेल नहीं होने वाला है, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। अब इसके पीछे का रीजन क्या है आगे दूसरे वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, फेल आप क्यों नहीं हो सकते हो। ठीक है, तो एक तो रीजन है मॉडरेशन पॉलिसी, और भी बहुत सारे रीजन है कि फेल आप नहीं हो सकते हो, मैं आगे दूसरे वीडियो में आपको इसके बारे में बताऊंगा। वीडियो ज्यादा लंबी नहीं हो जाए इस वजह से मैं चाहूंगा कि मैं दूसरे वीडियो इसके बारे में डिस्कशन करूं। ठीक है, अब आ जाते हैं डेट शीट के बारे में। ठीक है, जो कि हम लोग का ये मेन टॉपिक था कि टाइम टेबल से रिलेटेड। देखो जब तक हमारी अब डेट शीट नहीं आ जाएगी ना तो आपको बहुत जगहों पे नए नए डेट टाइप के डेट शीट देखने को मिलेंगे। जैसे अभी हाल ही में देख लो तो यहाँ पे एक जो डेट शीट है यहाँ पे एक वायरल हुई थी। ठीक है, एक डेट शीट यहाँ पे वायरल हुई है तो ये जो डेट शीट था वो टोटली रॉन्ग था, ये सीबीएसई ने नहीं निकाली है। और जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि डेट शीट अभी आप लोग का नहीं निकलेगा, दिसंबर के महीने में निकलेगा। ठीक है, दिसंबर से पहले निकलने का चांसेस बहुत कम है, ना के बराबर। ये जो हमारे परीक्षा नियंत्रक है सही भारद्वाज जी वो भी कह चुके हैं कि दिसंबर से पहले हम डेट शीट को नहीं निकालेंगे, तो आप श्योर रहो डेट शीट नहीं निकलेगा। लेकिन हाँ, टेंटेटिव डेट शीट निकाला जाता है यानी कि एक संभावित डेट शीट जिससे कि स्टूडेंट्स रिलैक्स हो सके कि हाँ इस समय हमारी ये एग्जामिनेशन होंगी। तो अगर आप टेंटेटिव डेट शीट देखना चाहते हो तो मैं यहाँ पे आप लोग को टेंटेटिव डेट शीट दिखा दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। ठीक है, कि आपके कब कौन कौन से सब्जेक्ट्स के एग्जामिनेशन हो सकते हैं। ओके, देखो लो यहाँ पे ये टेंटेटिव डेट शीट है। देखो यहाँ पे जो आपकी एग्जामिनेशन शुरू होगी ना वो 15 फरवरी से शुरू होंगी। तो पहले जो आप लोग का सब्जेक्ट्स रहेगा, जो हमारे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स होते हैं या फिर लैंग्वेज पेपर्स होते हैं तो वो होंगी। तो यहाँ पे एक टेंटेटिव डेट शीट दिया हुआ है जिसमें ये सब सारे सब्जेक्ट्स की जो एग्जामिनेशन है वो पहले होनी है। देन यहाँ पे आप देख सकते हो आगे जब आप इसको स्क्रॉल करोगे
तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा पहली जो हमारी एग्जामिनेशन हो रही है वो इंग्लिश की हो रही है, ठीक है। और ये जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि ये टेंटेटिव है, लेकिन 90% चांस है कि आप लोग का यही डेट शीट रहेगा, ठीक है। 90% चांस है, बट मैं फिर से वही चीज कहूंगा कि जरूरी नहीं है कि यही रहेगा, क्योंकि संभावित है, जरूरी नहीं है कि यही डेट शीट रहेगा। अब इसमें एग्जैक्ट यहाँ पे डेट नहीं दिया गया है, ये बोला गया है कि फरवरी में आप लोग की इंग्लिश की पहले एग्जामिनेशन होगी और हाई चांसेस है कि ये आप लोग का 22 से 25 या फिर 28 फरवरी के आसपास में हो सकता है, हालांकि इसमें डेट नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो फरवरी में आप लोग का कभी भी जो इंग्लिश की एग्जामिनेशन है वो हो सकती है। देन अगली जो एग्जामिनेशन यहाँ पे दी गई है वो हिंदी की दी गई है, जो कि मार्च में दिया गया है। तो आप लोग का एक ही मेन सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन यहाँ पे हो सकता है, वो है फरवरी में। देन आगे यहाँ पे देख ही सक रहे हो कि जो हमारी टेंटेटिव डेट शीट है वो यहाँ पे निकाली गई है, जो टाइम टेबल है यहाँ पे दे दिया गया, एक एक करके आप इन डेट शीट को देख सकते हो, ठीक है। तो ये एक टेंटेटिव डेट शीट है, एक संभावित है कि हाँ इस दिन आप लोग के ये सब्जेक्ट्स के एग्जामिनेशन हो सकते हैं। सबसे लास्ट में देखो यहाँ पे दिया गया इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का और कंप्यूटर साइंस का, ये पिछले साल भी हुआ था कि कंप्यूटर एप्लीकेशन और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो एग्जामिनेशन थी वो लास्ट में हुई थी, ठीक है। तो ये अक्सर ऐसा होता है कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन की या तो लास्ट में एग्जामिनेशन देती है सीबीएसई या फिर पहले लेती है, ठीक है। तो ये आप लोग के कुछ टेंटेटिव डेट शीट थे, ठीक है। और आगे ऐसी कुछ भी और भी इन्फॉर्मेशन आती है तो वो हम आप लोग को बहुत ही जल्दी बताएंगे। जैसे सीबीएसई की तरफ से कुछ भी इन्फॉर्मेशन आती है तो वो आप लोग को हम बताते रहेंगे। और अगर कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट करना, और अभी तक अगर आपने टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं हुए हो तो जरूर जाएं, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करके ज्वाइन करें। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टूडेंट्स लाइव। थैंक यू, बाय बाय।